मनुष्य जीवन में सुख और दुख, सफलता और विफलता का एक गहरा संबंध होता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हमारा जीवन इन्हीं दो ध्रुवों के बीच में संतुलन बनाए रखता है। इसे हम लाल वाहन सिद्धांत से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारे ध्यान में कोई विशेष वस्तु आ जाती है तो हमें बार बार वही वस्तु हर जगह नजर आने लगती है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई लाल वाहन खरीदते हैं या खरीदने के बारे में केवल सोचते हैं तो हर तरफ हमें लाल वाहन नजर आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि लाल वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी आ गई है, लेकिन सिर्फ हमारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो चुका है। इसी प्रकार जीवन में भी जब हम किसी सुखद या दुखद घटना का अनुभव करते हैं तब हम उसी प्रकार की घटना पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। यदि हम विफलता का सामना करें तो हर छोटी विफलता हमें बड़ी लगने लगती है, जबकि यदि हम सफलता की राह पर चले तो हर छोटी सफलता हमें बड़ी प्रतीत होने लगती है। जीवन की यह सच्चाई है कि हम जिस ओर ध्यान देंगे उसी ओर की घटनाएं हमें अधिक दिखाई देंगी। दुख और विफलता हमें सीखने के अवसर देते हैं, जबकि आनंद और सफलता हमें आत्मविश्वास और संतोष देते हैं। जीवन में दुख और सुख, सफलता और विफलता दोनों का ही महत्व है और ये दोनों भी जीवन के अपरिहार्य अंग है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य इसी संतुलन में निहित है।